बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ें, मैं एक दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वेकअप कॉल जरूर देना चाहूंगी दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी हु क्लेम्स टू बी द ह्यूमन राइट्स चैंपियंस आर स्लीपिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। पैलेस्टाइन इज बर्निंग फॉर द 10th डे। Many children have been murdered by the brutality of Israeli forces and the international community, and the human rights champions are still sleeping. Wake up, world. अब बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जहांगीर खान तरीन साहब की लॉबी या जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप फिलहाल मुतहरिक हो चुका है। इमरान खान साहब से मुलाकात होने के बावजूद भी मामला संभलते हुए नजर नहीं आया, और ऐसा लगा कि वफाक के अंदर जो नहीं हो पा रहा था जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ, अब वो पंजाब के जरिए होने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में जहांगीर खान तरीन और उनके हम ख्याल लोग अब इकट्ठे हो गए हैं और एक बड़ा वाजे पैगाम दे दिया। जहांगीर खान तरीन साहब ने आज क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से क्या मौकफ आया वो भी सुनाऊंगी। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। जहांगीर खान तरीन साहब ने यह तो कह दिया कि इमरान खान साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि पंजाब के अंदर गड़बड़ हो रही है, पंजाब के अंदर साजिश भी हो रही है। पंजाब के अंदर कौन साजिश कर रहा है, कौन कौन इसका हिस्सा है, कहां से साजिश जनरेट हो रही है, तमाम चीजें जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी वुजरा की तरफ से जो रिटर्न में या जवाब में जो बयान आ रहा है उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि वफाकी वुजरा बिलखसूस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी और इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब की लफाजी भी बिल्कुल एक ही जैसी है जहांगीर खान तरीन साहब के मौकफ के हवाले से मौकफ देते हुए। क्या ये लफाजी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से है या फिर म्यूचुअली डिसाइड किया गया है कि इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं जाएगा। सुनिएगा वफाकी वज़रा ने क्या कहा, शेख रशीद साहब एंड फवाद चौधरी साहब, सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा। ये ग्रुप बनते रहते हैं लेकिन ये पार्टी में छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिस पे बात की जाए। उन्होंने आज सुबह वाजे कर दिए सारा, जहांगीर तरीन साहब ने और बाकी लोगों ने, कि वो इमरान खान की क़यादत में मुतहद हैं। देखिए बात यह है, हम बहुत बड़ी सियासी जमात है, वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान के हर कोने में है। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिनका कराची में भी वोट है, उनका जो है वो पेशावर में भी वोट है, उनका कोयटा में भी वोट है, लाहौर में भी वोट है। बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें छोटे मोटी टुक टक चलती रहती है। ये तो बात हो गई कि किसने क्या कहा आज के दिन, लेकिन किसने क्या कहा से ज्यादा जरूरी ये है कि कौन कौन इस ग्रुप में मौजूद है। ये ग्रुप आम ग्रुप नहीं या आम फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, अच्छा खासा ताकतवर फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आता है। जहांगीर खान तरीन साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था, वो हुकूमत गिराने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब की हुकूमत पुल सरात पर खड़ी है, 19 अराकीन की जरूरत है पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए, और यहाँ 25 MPAs इस ग्रुप के साथ बैठे हैं। ये ग्रुप जैसा मैंने पहले कहा एक ताकतवर ग्रुप है जिसके अंदर एक वफाकी मिनिस्टर बैठे हैं, एक वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी बैठे हैं, दो सूबाई पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं वो बैठे हैं, दो एडवाइजर्स सीएम पंजाब के हैं, दो स्पेशल असिस्टेंट हैं सीएम पंजाब के, और पांच सूबाई जो पार्लियामानी सेक्रेटरीज हैं वो मौजूद हैं पंजाब के। ऐसी सूरत हाल में जो जो लोग इस ग्रुप में शामिल हैं उनके इनिशियल कुछ नाम भी मैं आपके सामने रखती हूँ। इधर हैं जी असलम भरवाना साहब जिनका ताल्लुक झंग से है, फैसल हयात झंग से, सईद अकबर नवानी साहब भक्कर से जिनको पार्लियामानी लीडर भी बनाया गया इस ग्रुप की तरफ से पंजाब असेंबली के अंदर, जुम्मे को ये बात भी करेंगे। अजमल चीमा फैसलाबाद से मौजूद है, नौमान अहमद लंगड़ियाल साहिवाल से मौजूद हैं, अब्दुल हई दस्ती मुजफ्फरगढ़ से, खुर्रम लगारी मुजफ्फराबाद से, जावर हुसैन वराइज लोधरा से, सलीम बीबी भरवाना चिन्योट से, नज़ीर अहमद चौहान लाहौर से, उमर आफ्ताब शेखुपुरा से, उसके अलावा सलीम अख्तर मुल्तान से, रफाकत गिलानी लिया से, अमीर मोहम्मद खान भक्कर से, बिलाल असगर वराइज टोबा टेक सिंह से, नज़ीर बलोच
लोधड़ा से ताहिर रंधावा, लैया से गुलाम रसूल संगा, खुशाब से सलमान नईम, मुल्तान से इफ्तिखार गोंदल, सरगोदा से उमर तनवीर बट, रावलपिंडी से आसिफ मजीद, रहीम यार खान से और मोहम्मद अल अमीन जुलकरनैन लाहौर से मौजूद है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट, इंपॉर्टेंट जगहें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके लोग मौजूद हैं। यहाँ जरा एमएनएस की तरफ आते हैं। राजा रियाज साहब फैसलाबाद से मौजूद हैं, रियाज महमूद खान साहब राजनपुर से, गुलाम बीबी बरवाना झंग से मौजूद हैं, मोहम्मद अमीर सुल्तान झंग से मौजूद हैं, साहिबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान झंग से मौजूद हैं, फिर गुलाम लाली चिन्योट से मौजूद हैं, ख्वाजा शहराज डी जी खान से, समीउल हसन गिल्लानी बहावलपुर से, मुबीन असलम अनवर रहीम यार खान से मौजूद हैं। सो दीज आर, दिस इज़ द लिस्ट जो कि मेरे पास सारी की सारी मौजूद है। और इस लिस्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वफाकी वज़ीर तक शामिल है। तो जहांगीर खान तरीन साहब की कश्ती किधर जाएगी? क्या सारी कश्तियां जलाने के बाद उनकी अपनी कश्ती भी डूब तो नहीं जाएगी? क्या होने वाला है, इसके हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। राजा रियाज साहब सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे, जिनको ग्रुप लीडर बनाया गया है एमएनएस के हवाले से नेशनल असेंबली के अंदर, इस तमाम ग्रुप के जो जहांगीर खान तरीन साहब का है उसका। उसके अलावा हमारे साथ नेक्स्ट सेगमेंट में इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है इस तमाम एक्शन के पीछे या स्ट्रैटेजी लेस एक्शन है। इसके अलावा साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जियो और जंग के अंदर करंट अफेयर्स को जो है वो देखते हैं। बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, आपने भी ज्वाइन किया, आप तमाम का शुक्रिया। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब ने जिनको ग्रुप लीडर बनाया है नेशनल असेंबली के अंदर उनसे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे राजा रियाज साहब से, उनको ग्रुप लीडर भी बनाया गया नेशनल असेंबली में जहांगीर खान तरीन ग्रुप की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा भी हैं और जेकेटी के शाना बशाना खड़े रहे हैं, बड़े अरसे से उनका साथ दिया उन्होंने। बिल्कुल राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मामला तो ठीक होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ साजिशी अनासिर की गूंज सुनाई देती है आपके ग्रुप की तरफ से। कभी किसी के साथ पर्सनली भी बैठे, ऑफ द कैमरा भी बैठे, तो तब भी साजिशी अनासिर की बात बड़ी होते हुए नजर आती है। राजा साहब, कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ा कि बकौल आपके जो साजिशी अनासिर हैं उनके खिलाफ खड़े हुआ जाए? जब हम इमरान खान साहब को मिले थे, उसके बाद हमारे जो मुतालबात थे वो मान लिए गए थे। एक तो अली जफर साहब जो सेनेटर हैं, उनको हमारा निपाही अफसर मुकर्र किया गया ताकि ये देखें कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। तो वो इस केस को बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों तरफ से लंबी मीटिंग करके सारा कुछ वो देख रहे हैं। वो अच्छे, बड़े अच्छे वकील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बेहतर होगा। दूसरा, एफआईए में भी जो अफसर थे उनको चेंज कर दिया गया और एक बड़े ऑनेस्ट और बड़े अच्छे अफसर को ये इंक्वायरी देगी। इसके बाद हमें कहा गया था खान साहब की तरफ से कि आप मीडिया पे जरा खामोशी इख्तियार करें, हमने वो भी कर ली। लेकिन पिछले हफ्ते से ये वाकया हुआ कि जो हमारे ग्रुप के एमपीए थे, पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ मुख्तलिफ जगह पे इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी और उनके दोस्तों को, उनके साथियों को हरासमेंट शुरू कर दी, कहीं कहीं पर्चे भी दर्ज किए गए और इस तरह इंतकामी कार्रवाइयां जो शुरू हुई। जब हम कल इकट्ठे हुए वहां पे, हमारे एमपी ने कहा जी कि आप उन्हें ग्रुप में आया हुआ है और ग्रुप में हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही हैं, तो फिर उस पर ये फैसला किया गया कि हम अपना एक पार्लिमानी पार्टी लीडर पंजाब के अंदर नामजद करें और उसके साथ दो मिनिस्टर अटैच करें। हमारे पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी साहब इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन असेंबली का इजलास है, उसमें खिताब भी फरमाएंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी करेंगे और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए वजीर आला पंजाब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वजीर आला साहब, आप इन चीजों को उलझाए ना, आप उन लोगों के कहने में ना आए जो गलत काम करते हैं, आप अपने आप को चीजों को सुलझा के रखें। आगे बजट आ रहा है और बजट में ये तकरीबन हमारे पास 25 एमपीए हैं और ये बजट पास सिर्फ हमारे एमपीए अगर वोट देंगे तो ये बजट पास होगा। राइट, अच्छा राजा साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बजट अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हर्डल होगा।
क्या अगर आपको ये साजिशी अनासर पंजाब हुकूमत के अंदर और विफाक के अंदर मामलात हल होते हुए नजर नहीं आते, तो क्या ये मुमकिनात में से है कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथी, आप जैसे साथी, वो वोट ही ना दें? और ऑफ कोर्स वोट नहीं देंगे तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बजट पास कराना नामुमकिन के करीब हो जाएगा पंजाब असेंबली में बिलखसूस। ये पॉसिबिलिटीज में से आप लोगों ने रखा है सामने? लेकिन पहले मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें जी, कि वफाक में इस वक्त हमें कोई इशू नहीं है, राइट? एक चीज। दूसरा इशू हमारा है, पंजाब का। पंजाब का अगर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको जिस तरह मैं कह रहा हूँ हमारी बात को गौर से सुना और इसको हैंडल कर लिया तो हमारा पंजाब में भी इशू खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारी बात को गौर से ना सुना और हमारे जो है ग्रुप के एमपीज हैं अगर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हुई तो फिर हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। हमारे पास भी तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, हम भी कोई भी ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं, कोई भी ऑप्शन हमारे पास, सारे ऑप्शन खुले हैं। तो इसलिए हमने वज़ीर आला साहब से पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है और हमारे कोशिश ये है कि मामला पंजाब किस तरह वफाक के अंदर मामला तय पा जाए, इसी तरह पंजाब के अंदर भी मामला तय पा जाए और कोई इशू ना बने, ये है हमारा। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा राजा साहब, एक बात जो अभी ऑपोजिशन भी जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, वो कह रही है कि जी देखें इस तमाम ग्रुप की मुलाकात हुई वजीर आजम साहब से और अब पंजाब के अंदर मसले मसाइल उठ खड़े हुए हैं जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ, उनके ग्रुप के खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि शायद इमरान खान साहब की रिट नहीं रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। क्या ऑपोजिशन की ये बात आपको भी दुरुस्त नजर आती? नहीं, रेट तो वजीर आजम साहब की है, ये तो आप नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग पहले वफाक में साजिश कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि हमारा वफाक में अब रास्ता, हमारी मुलाकात के बाद, वजीर आजम साहब की मुलाकात के बाद हमारा रास्ता बंद हो गया है और हम यहाँ से जहांगीर तरीन साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर उन्होंने ये सेकेंड ऑप्शन जो शुरू की, उन्होंने वजीर आला, क्योंकि आपको जानती है कि कमजोर आदमी है, उन पे प्रेशर डाला कि आप इन एक्शन हो जाएं। लेकिन हमारी कल की जो मीटिंग है उसके बाद आज मेरे साथ भी वज़ीर-ए-आला ऑफिस ने राबता किया है, वो हमारे साथ राबते कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आला साहब को ये समझ आ जाएगी कि उसको, उनको इस चीज में फरीक नहीं बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने बजट पास कराना है और वो किसी सूरत भी इसमें फरीक बनना उनके लिए मुनासिब नहीं है। तो मेरी जो जाती राय है कि इंशाल्लाह पंजाब में भी हमारे मामला जिस तरह वफाक में तय पाए हैं, इसी एक दो दिन में हमारे पंजाब में भी मामला तय पा जाए। राइट, राजा साहब, अगर फॉर एग्जाम्पल पंजाब के अंदर मामलात वैसे तय नहीं पाते जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं या आपकी उम्मीदें हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार से, क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं और आप क्यों ये समझ रहे हैं कि नहीं तय पाते, ये तय पाने हैं। अच्छा, इसलिए तय पाने हैं कि उन्होंने हम बजट पास कराना है और हमारे बगैर वो बजट पास नहीं करा सकते। जब उन्होंने बजट पास कराना है तो फिर उनको मामला तय करने पड़ेंगे। आप सवाल कर, राइट? अच्छा, तो आपकी नजर में वो ऑप्शन है ही नहीं कि जो है वो किसी भी तरीके से मामला तय ना पाए। लेकिन राजा साहब, मसला फिर वहीं खड़ा हो जाता है, बजट पास हो जाता है और बजट के बाद फिर मसले मसाइल खड़े करना शुरू कर दें अगर पंजाब हुकूमत के अंदर से वो लोग, क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं कि वजीर आला साहब एक कमजोर आदमी है और उनके ऊपर फिर दबाव आ गया और फिर उन्होंने मसले खड़े करना शुरू कर दिए, तो फिर आपके ग्रुप के पास अभी तो एक बहुत ताकतवर पत्ता है बजट का, फिर क्या पत्ता रहेगा? हमारे पास ऑप्शन है, देखिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। हमारे पास वोट इतने ज्यादा हैं, हाँ जी, हमारे पास वोट इतने ज्यादा हैं कि हम किसी वक्त भी इन वोटों के जरिए पंजाब में कोई तब्दीली लाने की पोजीशन में हैं और ये ऑप्शन हमारे पास रहेगा। ये ऑप्शन क्योंकि कल हमने हलफ उठा लिया है, कोई अब हलफ के खिलाफ नहीं जाएगा सर, कोई आदमी वो हमारा तोड़ नहीं सकते क्योंकि कल हलफ हो गया है। तो हलफ के बाद अब ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम पंजाब में किसी वक्त भी कोई तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि 19 लोग चाहिए पंजाब में तरीके अदम अतमाद को कामयाब करने के लिए, तो हम 25 हैं, 19 लोग चाहिए, तो
तो ये ऑप्शन हमारे पास है। हम तरीके इंसाफ की हुकूमत को कमजोर नहीं करना चाहते, हम किसी सूरत ऐसी इस तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर हमारे पास ऑप्शन है और हम अपना हमारे पास जो हमारे कार्ड है हमारे हाथ में और मुनासिब वक्त पे अपने कार्ड इस्तेमाल करेंगे। राइट। अच्छा राजा साहब, एक और चीज जो आवाम बड़े अरसे से पूछ रही है, हमसे भी सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं कि क्या तंग, क्या ऐसा तंग किया जा रहा था आप लोगों के ग्रुप मेंबर्स को पंजाब में, क्या आप लोगों को ये इतना ज़्यादा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत भी पड़ी? क्योंकि मुझे याद है जब खान साहब से मुलाकात हुई थी उसके बाद बड़े हशाश बशाश तरीके से मामला, ऐसे लगा था कि जैसे अब सुलझ गए, अब मसला नहीं होगा, लेकिन पंजाब में अगर किसी ने ये इस तरह की कोई साजिशी अनासर हैं भी तो वो किस तरह से तंग कर रहे थे मेम्बरान को, क्या ऐसी उनके हथकंडे थे जो वो इस्तेमाल कर रहे थे आपके ग्रुप मेंबर्स पे? इस तरह हुआ है कि हमारे जो एमपीएस हैं उनके अफसर जो है उनको तब्दील किया जा रहा है, हमारे कुछ एमपीएस के दोस्तों पे मुकदमा दर्ज किए गए हैं, कुछ हमारे दो एमपीएस के जो फंड्स हैं वो रोक दिए गए हैं, काम हो रहे थे तो उधर फोन कर दिया गया है कि ये काम आप रुकवा दें, हालांकि असूली तौर पर वो काम रुक नहीं सकते, उनके टेंडर हो चुके हैं, उनके फंड जारी हो चुके हैं, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने फूट करके वो काम रोक दिए हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप ग्रुप छोड़े तो आपके ये काम शुरू करा दे जाएंगे, आपके अफसर वापस आ जाएंगे, आपके ये दोस्तों पे जो मुकदमा दर्ज हुए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। ये इस तरह के कंडे हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी कि उस्मान बुज़दार साहब इसमें फरीक बनेंगे, मैं तो इसमें परेशान हूँ कि वो क्यों इसके फरीक बने हैं और उन्हें नहीं चाहिए था। जब वज़ीर आज़म साहब ने इस मसले को हैंडल कर लिया था और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो गया था और आप खुद इस चीज की गवाही दे रही हैं कि हम बड़े खामोश हो गए थे, हमने अपने आप को महदूद कर लिया था उस इंक्वायरी तक, जो ठीक है अगर हमारी इंक्वायरी हो जाए क्योंकि हम हक पे हैं, सच पे हैं, हमें कोई डर नहीं है, इंक्वायरी 100% हमारे हक में आनी थी, इसलिए हमने अपने आप को खामोश कर लिया था और इसकी गवाही आप खुद दे रही हैं। तो इसके बाद जब ये तरीका कार अख्तियार किया गया तो ये इस पे हमें शदीद रद्द अमल आया, हमने भी इसको बड़ा सीरियस लिया कि जब हम वज़ीर आज़म ने हमें कहा कि आप मीडिया से खामोश रहे, आपको ऐसा ज्यादती नहीं होगी, परसों भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं किसी सूरत जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, तो उसके बाद ये नीचे के लोग जो हैं जिनकी अपनी कोई पोजीशन नहीं है वो लोग अगर इस तरह के कंडे इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनका जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन तो फिर उन्हें फेस करना पड़ेगा। राइट। राजा साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बात कही है, एक बयान दिया है जिसके अंदर उन्होंने फरमाया है कि अगर तो कोई खान साहब के साथ है तो फिर कोई और ब्लॉक नहीं रहता, फिर सिर्फ खान के साथ चलने वाली बात रहती है। यानी एक तरह से आप लोगों को कॉल आउट कर रहे हैं कि पता नहीं आप खान साहब के साथ हैं भी या नहीं है, क्या जवाब देंगे इसका? हम खान साहब के साथ हैं, ये चेक करने वाली चीज है कि शाह महमूद कुरैशी साहब खान साहब के साथ हैं कि नहीं, क्योंकि वो जब भी नई हुकूमत आती है उसमें वो वजीर होते हैं, तो हम तो इस हुकूमत में भी वजीर नहीं है और पहले भी कई दफा अपोजिशन में रह चुके हैं, अभी जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी तो पहले नवाज शरीफ के साथ 4 घंटे मीटिंग करके आए थे और ये कह के आए थे कि इंशाल्लाह मैं 2-4 दिनों तक नून लीग ज्वाइन करूंगा और फिर आके उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, तो अब वो अगली उड़ान किधर से लेते हैं ये देखने वाली बात है, हम खान साहब के साथ हैं और खान साहब के साथ खड़े हैं। राइट। अच्छा राजा साहब, अब जिनके खिलाफ आपने जंग शुरू कर दी है, जिनको आप साजिशी अनासिर कह ही रहे हैं, तो उनको कोई पैगाम देना तो दे दें, मेरे शो के तवस्सुत से उन तक आवाज पहुंच जाएगी। मैं उन साजिशी अनासिर को ये कहना चाहता हूँ कि वफाक में आप नाकाम हुए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, अब आप पंजाब में भी इंशाल्लाह नाकाम होंगे क्योंकि जिस घोड़े को आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है वो उसमें वो इतना वजन जितना वजन हमारे पास है वो इतना वजन उठा नहीं सकता और इंशाल्लाह पंजाब में भी आपको शर्मिंदगी होगी और आप इंशाल्लाह पंजाब में भी जिस तरह वफाक में आपको मुंह की खानी पड़ी है पंजाब में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। राज साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या मामला वजीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील करने तक जा सकता है या उस डिमांड तक जा सकता है?
मेरा ख्याल है ऐसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस्मान बुज़दार साहब को रात को जो मैसेज गया है उन्हें वो समझ आ गया है, और आज जिस तरह उन्होंने रबते शुरू किए हुए हैं हम लोगों से, मेरा ख्याल है वो नियत नहीं आएगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ से रबता हुआ राजा साहब, जरा ये भी बता दीजिएगा, आपने कहा कि उनको पैगाम पहुंचे दफ्तर से लोग रबते कर रहे हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि जुमे वाले दिन तक हमने उनको नहीं मिलना है। जुमे वाले दिन हमारे पार्लियामेंट लीडर जो हैं वो असेंबली में खिताब फरमाएंगे, उसके बाद हमारा एक ग्रुप जो है जिसको जहांगीर तरीन साहब तश्कील देंगे वो ग्रुप पार्लियामेंट लीडर की क्यादत में जाके मिलेगा। राइट, अच्छा तो राज साहब उस्मान बुज़दार साहब को किसने पैगाम पहुंचाया? उस्मान तो रात को जो हमने मीडिया पे बातें की हैं ये उन तक पैगाम, ये उन्हीं के लिए पैगाम था और उन तक पैगाम पहुंच गया। राइट राज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन माय शो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद इसको जरा मुख्तलिफ ज़ाविया से भी देखेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब के शाना बशाना खड़े होने वाले राजा रियाज साहब से। अब जरा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब और साबिर शाह साहब की तरफ भी बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। जनरल साहब सबसे पहले आपकी तरफ, जनरल साहब जहांगीर खान तरीन वो शख्सियत जो कि अपने जहाज़ों में इंडिपेंडेंस को लेकर आते थे खान साहब के पास, उसके बाद फिर उनके कंधे में पीटीआई का वो स्कार्फ डाला जाता था और उसके बाद फिर वो पीटीआई के बन जाते थे, आज तकरीबन 34 से जायद अराकीन को अपने साथ मिलाए बैठे हैं जिसके अंदर से एमएनएज एमपीएस दोनों मौजूद हैं। नॉट जस्ट एनी एमएनएज एंड एमपीएस, कुछ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं इधर। क्या जहांगीर खान तरीन साहब कोई मसला खड़ा करना तो नहीं एम कर रहे खान साहब के लिए? कहे तो वो ये रहे हैं कि नहीं हम खान साहब के साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। देखिए अगर साथ होते तो फिर ये इतने ग्रोस मनाने का और उनका उनके पार्लियामेंट्री लीडर्स वगैरह पर करने की तो फिर कोई वजह नहीं थी। साथ तो नहीं है ये तो बड़ा वाजे है। दूसरी चीज जो बड़ी वाजे है कि इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप भी मेजर जो मुझे नजर आता है कम से कम मेजर अपीवल इस वक्त करने को शायद तैयार नहीं है। और तीसरी चीज जो बड़ी वाजे है कि ये कोई असूल का मसला नहीं है यहाँ पर, जो भी इनके साथ साथी लोग इनके साथ हैं वो सब कोई असूल का मसला नहीं है। ये हो सकता है कि इनके अपने पार्टी के अंदर ग्रीवेंसेस तमाम पार्टी के अंदर होते हैं, वो हैं इनके, लेकिन मसला कुछ और है। क्या वाकई जहांगीर तरीन साहब अगर तो अपने जिस तरीके से खान साहब के साथ खड़े थे और उनकी फिलॉसफी के साथ खड़े थे तो आज उनको मेरा ख्याल था कि खुद आके आके अपने आप को क्लियर करना चाहिए था बजाय इसके कि ये सारा जो हंगामा खड़ा किया है इसके। तो असूल की बात भी नहीं है। दरअसल जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो अगलीस्ट फेस है ना, वो अगर आपको नजर आ रही है, द ब्लैक मेलिंग इज डन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर लॉ मेकिंग, इसमें चाहे जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, एक पार्टी हो एक दूसरी पार्टी हो, हमारे यहाँ ये बदकिस्मती से बल्कि शायद सब जगह भी ये काम चलता है। तो अब देखना ये कि ये जो प्रेशर ग्रुप ने बनाया है ये किसको किस हद तक आगे लेके जाएंगे। एक बड़ी स्पेकुलेशन जो चल रही है कि शायद ये पहले पंजाब में मूव करेंगे और पंजाब में बुज़दार साहब को हटाने के लिए कोई इकदाम किए जाएंगे। जान साहब पंजाब के बारे में तो इन्होंने बात भी की है कि पंजाब गवर्नमेंट इज द मेन कल्प्रिट जो कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। बट आप एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर अगर जरा अपने आप को देखें, बिकॉज सिंस यू आर अ रिटायर्ड जनरल, क्या स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब? इज ही एमिंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट अगैन? वो सिर्फ अपने पर्सनल केसेस को खत्म करवाना चाह रहे हैं, वो किसी को मजा चखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं पावर में ना होते हुए भी पावरफुल हूं, क्या चाह रहे हैं वो? क्या दे फेस ऑफ इट जो नजर आता है ना, कोई ग्रैंड स्ट्रेटजिक डिजाइन इसके पीछे वो नहीं है। अच्छा, अगर ग्रैंड स्ट्रेटजिक डिजाइन होता तो ये इतनी जल्दी अपने आप ऐसे शो ना करते और इतनी जल्दी जो इनको जल्दी है वो क्यों जल्दी है इसमें, ये भी हमें गौर करने की जरूरत है। ओवरऑल जो इशू जो नजर आ रहा है कि विद इन द पार्टी, जो पहले दिन से मैं तो कम से कम ये कह रहा हूँ इमरान साहब को अपनी पार्टी को ठीक करना चाहिए, पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है वो आपके सामने बड़ी खुल के वाजे सामने आपके आ गई है। जहांगीर तरीन ग्रुप था, शामिल कुरैशी साहब एक तरफ बैठे हुए थे, तो
तो ये दोनों जो खेचातानी थी पार्टी के अंदर चल रही थी, ये उसका शाखसान है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं समझते बड़ी कमजोरी थी कि पहले दिन से उन्होंने नोट्स नहीं लिया, और फिर ये मिलकर जो जिस तरह ये मोहल्ला की साजिशें होती हैं, इस ग्रुप को एक साइड पर लगाने की कोशिश की गई, और वो ग्रुप अपने आप किसी किसी उसने शो तो कर दिया है। इसके आगे अगर ये समझ रहा है, ये ग्रुप ये समझ रहा है कि पंजाब में बुज़दार साहब को हटा दिया जाए, फाइन, एब्सोल्युटली, सारी दुनिया बुज़दार साहब से तंग बैठी हुई है, हर बंदा इसके खिलाफ बात कर रहा है इसके, देन व्हाट, हु इज द नेक्स्ट पर्सन, या हु, कौन सा ग्रुप सामने आएगा इसके बीच में बैठ के? क्या जहांगीर तरीन साहब नून लीग के साथ इस ग्रुप को बिठा देंगे, या वो ग्रुप खुद तैयार होगा? क्या नून लीग ऐसे ग्रुपों के बारे इतमाद करने पर तैयार होगी? इनमें से कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको नजर आते हैं, जो पहले नून लीग का हिस्सा थे, फिर कभी काफली का हिस्सा थे, अभी आज पीटीआई का हिस्सा है, तो ऐसे दोस्तों पर कोई इतमाद कर लेगा कोई? और अगर करेगा तो किस हद तक करेगा? इनके जो ग्रीवेंसेज हैं किस हद तक पूरे होंगे? और क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, खान साहब स्टेज तक जाने देंगे भी कि नहीं? Right. खान साहब के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पंजाब असेंबली भी तोड़ दें वो? राइट जल साहब, अच्छा शाह साहब आपकी तरफ आऊंगी, ये जहांगीर खान तरीन साहब फॉरवर्ड ब्लॉग बना रहे हैं, माजी में भी फॉरवर्ड ब्लॉग्स बनते रहे, कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानी सियासत के लिए, लेकिन कह ये रहे हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, और अगर रहेंगे तो फिर बजट सेशन की बातें, जहां अभी आपने राज साहब की बात भी सुनी, बजट सेशन को किस तरीके से खतरे में डाला जा सकता है, ये भी नंबर गेम बड़ी एविडेंट है, 25 लोग साथ हों तो उसके बाद फिर बजट पास कराना पॉसिबल ही नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन लोगों के बगैर। कंसिडरिंग दिस, ये जो असेंबली में जवाब देने वाली बात हो रही है साबिर साहब, ये आपकी नज़र में किस तरफ इशारा है? देखिए अनिका, ये दो नंबर गुफ्तगु कर रहे हैं कि हुकूमत के साथ हैं और बजट में ये करेंगे। भाई आप सीधी तरह कहें कि चूँकि आप पे इल्ज़ाम लगे हैं और काफ़ी जगह पे आप गिल्टी भी साबित हुए हैं, और मेरा ख्याल है बैरिस्टर अली जफ़र की जो रिपोर्ट आने वाली है नेक्स्ट वीक, उसमें भी ये गिल्टी हैं, तो आप सीधी तरह कहें कि ये जंग है, ऐलान जंग करें, और ऐलान जंग अब कर भी रहे हैं, जोराने भी आपने दिए, अब इशाइए भी दे रहे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आती इन जुमलों की कि हम हुकूमत के साथ हैं। नो, दे आर नॉट विद द गवर्नमेंट, नॉट एट ऑल, हुकूमत उनके साथ नहीं है, हुकूमत बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, इनकी वजह से शुगर स्कैंडल जो है, ये वैसे तो आपको पता है 1972 के अखबार देखें, उसमें भी आपको ये खबरें मिलेंगी कि चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये वो, ये अवाम की जेबों पर बराह रास्त डाका है। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू कि अगर जे इंटेलिजेंस ब्यूरो एक्टिव है इस वक्त इनको चुप कराने के लिए या इनको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहांगीर खान तरीन का भी जो डीएनए है ये इस तरह का है कि ये हार नहीं मानेंगे, बेशक अकेले रह जाए। अभी तो इन्होंने कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में ग्रुप बनाए हैं, और वो भी मेरे ख्याल ये देखेंगे कि अगर, देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे मुहरकात होते हैं हुकूमतें बनाने के लिए, और बहुत सारे मददगार हाथ होते हैं, खुफिया हाथ होते हैं, अगर कौमी असेंबली में इनका बस ना चला तो उतनी ही फ्रेल मेजॉरिटी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पंजाब असेंबली में। उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, लोग उनसे नाखुश भी हैं, मेजॉरिटी भी बहुत कम है, तो वहाँ पे जहांगीर खान तरीन बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। मुझे नहीं पता चौधरी बरदरान उनके साथ मिलते हैं या नहीं, ना भी मिले तो उनके साथ मुस्लिम लीग नून ज़रूर मिलेगी, अगर तो मेरिट पे हो तो मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखना ये कि कितनी सपोर्ट इनको मिलती है ताकतवर हलकों की जानिब से, ये जेन में रखिए, अगर बजट पास ना हो तो हुकूमतें चली जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। बहुत सब ठीक, लेकिन जेकेटी भी बार बार कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ हैं, वज़रा भी कह रहे हैं कि नहीं जी ये टुक टक तो चलती रहती है पार्टीज के अंदर, और अभी राजा साहब ने भी कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामलात हल ना हो, कंसिडरिंग बजट सामने आ रहा है, तो ये सिर्फ एक थ्रेट फैक्टर ही हुआ ना, एक सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाने तक का की थ्रेट हुई ना, उसके बाद की बात तो फिर बाद में। यू आर राइट, वो यही चाह रहे हैं कि वो सौदेबाजी हो जाए। अब देखना ये है कि बैरिस्टर अली जफर की जो रिपोर्ट है वो बजट से पहले आती है या बाद में, अगर तो पहले आती है तो बजट सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, स्पेशली पंजाब असेंबली में, हुकूमत शायद उसे डिले करे बजट के बाद तक ले जाए, ताकि इनको एक ऑलिव ब्रांच दी जा सके जहांगीर खान तरीन और इनके साथियों को, और वो बजट में हंगामा कम करें। लेकिन मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन बच्चे नहीं हैं, मैं 1997 में भी जब ये एग्रीकल्चरल टास्क फोर्स के चेयरमैन थे शहबाज शरीफ
की चीफ मिनिस्टरशिप के दौर में, उस वक्त भी ये पांच क्लब रोड और शाहराह कायद आजम लाहौर में बैठा करते थे। इन्होंने कई हुकूमतें देखी हैं, पीपल्स पार्टी की आला क्यादत तक भी उनके रबते अपने बिनोई के थ्रू हैं, ज़ाती तौर पर भी जानते हैं। और ज़ाहिर है पैसा, असर रसूख, उनकी तालीम, उनका एक्सपोजर ऐसा है कि वो किसी के लिए भी अजनबी नहीं है। अब ये बात अलहदा है कि अपने आप पे इलेक्शन लड़के जहांगीर खान तरीन या राजा रियाज वगैरह इलेक्शन जीत लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता अनलेस उन्हें कोई मुस्लिम नून टिकट दे दे पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से। इमरान खान अव्वल तो टिकट नहीं देंगे और अगर अलहदा लड़ते हैं तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहरहाल इमरान खान का करिश्मा था, ये लोग जीते हैं, ये यहाँ तक आए हैं और इमरान खान के पीछे खड़े होने की आपको पता बहुत ज़्यादा कीमत होती है, चंदे भी देने होते हैं आपने, शौकत खानम को भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी, लोग आपको सलाम भी करते हैं, लोग आपको पॉलिसी मेकर भी समझते हैं, लोग आपको इन्फ्लुएंसर भी समझते हैं। और जहांगीर तरीन ने ये सारा स्टारडम इन्जॉय किया है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे मुबैन तौर पर लिए हैं, जिनकी मालियत अरबों रुपये में होगी। तो कहने का मकसद ही वो अपना लगाया हुआ पैसा तो कवर कर चुके हैं, अब बका की जंग है, अब बेटे का आगे मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, आला तालीम याफ्ता हैं और बहुत ज़्यादा ख्वाब एक बाप देखता है अपने बच्चे के लिए कि मैं उसको एमपीए बनवाऊंगा, फिर चीफ मिनिस्टरशिप की रेस में ले आऊँगा या एमएनए बनवाऊंगा और फेडरल मिनिस्टर बना दूंगा। इसके अलावा ख़ानदान की ख़वातीन के नाम आए हैं जो कि रिपोर्ट में, सो ये गुस्सा भी जहांगीर तरीन को है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनके पीछे कोई नहीं है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये जो 40-50 आदमी जो हैं जिन्होंने लबैक कहा है जहांगीर तरीन की कॉल पर, और अगर उनके पीछे कोई ताकत है तो फिर इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होंगे यानी का आने वाले दिनों में। सो अगले 8-10-15 दिन बहुत एक्टिव होंगे, बहुत एक्टिव भी होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। साबिर शाह साहब, थैंक यू सो मच। राजा रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जब कोई हुकूमती जमात आपसी चपकलिश के सद्देबाब ढूंढने लग जाए तो फिर उसके बाद गवर्नेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए खान साहब को सबसे पहले अपनी जमात को फौरी तौर पर कंसोलिडेट करना है, क्योंकि 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, चंद ही महीने रह गए, 3-4 महीने रह गए, और उसके बाद जो है वो आखिरी 2 साल अपनी तमाम कारकर्दगी और तमाम के तमाम अच्छे कामों की कंसोलिडेशन का टाइम होता है, और शॉर्ट टर्म उन प्रोजेक्ट्स का टाइम होता है जो कि नज़र भी आ रहे हो आवाम को, आवामी रिलीफ का टाइम भी होता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपनी जमात को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। खान साहब ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल बजट ख़तरे में पड़ गया है पंजाब का और पंजाब की हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद बकल डाउन करना पड़े अंडर प्रेशर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।